हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैरोसिटम 250 mg टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सैरोसिटम 250 mg टैबलेट जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 230 रुपए है, जो कि एक स्टीम में 4 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं सेफोरोक्सिम 250 mg। दोस्तों सैरोसिटम 250 mg टैबलेट जो कि सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट दिया गया इस टैबलेट के। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर वन दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दी जाती है। नंबर टू, स्पाइटरी इन्फेक्शन हो। नंबर थ्री, ईयर में इन्फेक्शन हो, जैसे कि कान में दाने हो, जख्म हो या अन्य कोई समस्या हो, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है, उसमें यूज की जाती है। नंबर फोर, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो, गले में कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नंबर फाइव, आइज में इन्फेक्शन हो। नंबर सिक्स, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी डॉक्टर द्वारा प्रयोग की जाती है। नंबर सेवन, निमोनिया हो। नंबर एट, यूरिन में इन्फेक्शन हो, पेशाब के रास्ते कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है, उसमें यूज की जाती है। नंबर नाइन, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो। नंबर टेन, किसी भी तरह के जख्म हो तो उसको ठीक करने के लिए भी प्रयोग की जाती है। नंबर इलेवन, कोल्ड हो, फीवर हो, खांसी हो, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। नंबर ट्वेल्व, हड्डियों में इन्फेक्शन हो, जोड़ों में इन्फेक्शन हो, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं में प्रयोग की जाती है इस एंटीबायोटिक को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज फिक्स करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को 2 से 3 बार दी जाती है, एक सुबह और एक शाम में खाने खाने के बाद। तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है पेशेंट के कंडीशन को देखकर। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर वन, इस एंटीबायोटिक को ओवरडोज ना लें। नंबर टू, किडनी लीवर पेशेंट यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर थ्री, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर फोर, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि लूज मोशन, स्किन एलर्जी, वॉमिटिंग, एसिडिटी, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस एंटीबायोटिक को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो सैरोक्सिटम 250 mg टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक टैबलेट है और काफी अच्छा डील दिया गया है। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।